नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ग समीकरण। वर्ग का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। और समीकरण का मतलब होता है इक्वेशंस, इक्वेशंस। यानी कि वर्ग समीकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। अगर कोई भी समीकरण या इक्वेशन जिसमें डिग्री दो हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, वो कहलाएंगे हमारे वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा है 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्या हमारा वर्ग समीकरण है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस जो x है इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2। और वर्ग समीकरण की शर्त यही है कि अगर किसी भी समीकरण को क्वाड्रेटिक या वर्ग कहलाना है तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो 2 होगी, और यहां पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। अब जैसे कि यानी कि ये हमारा क्या हुआ? वर्ग समीकरण, समीकरण, ये हमारा वर्ग समीकरण हुआ। उसी प्रकार अब जैसे दे दिया गया अंडर रूट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये भी हमारा वर्ग समीकरण है? जी हाँ, क्योंकि इसमें भी जो x की डिग्री है वो 2 है, इसलिए हमारा क्या हो गया? वर्ग समीकरण। अब बात करते हैं इसकी कि अगर दिया हो 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये वर्ग समीकरण है? नहीं, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण की शर्त यही है कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस यहां पे 3 है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं होगा। क्या ये 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या ये वर्ग समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है वर्ग समीकरण? क्योंकि जो डिग्री होनी है वर्ग समीकरण के लिए वो 2 होनी है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, 2 होनी ही होनी है, तभी वो हमारा समीकरण वर्ग या क्वाड्रेटिक कहला पाएगा। इसलिए ना ये वर्ग समीकरण है ना ये वर्ग समीकरण है। इसलिए अगर हम लोग इन जनरल बात करें, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि कोई भी वर्ग समीकरण को कैसे हम लिखेंगे इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल हम लोग लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए हमारा क्या ना हो? 0। यानी कि इन जनरल वर्ग समीकरण की जो इक्वेशन होगी यानी कि जो समीकरण होगा वो ये क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए हमारा 0 ना हो, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये वाला टर्म चला जाएगा, तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी, ये तो एक लाइन हो गई जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए शर्त यह है कि ए को हमारा 0 नहीं होना है, और इन जनरल हम कोई भी वर्ग समीकरण को लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन जनरल। अब बात करते हैं इसके थोड़ा आगे कि रूट्स क्या होती है, यानी कि रूट्स क्या होती हैं, रूट्स क्या होती हैं, ये अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है। तो देखिए, वो नंबर जो x की जगह हम लोग जब किसी भी समीकरण में डालेंगे उसके बाद या पुट करेंगे, अगर रिजल्ट में 0 आ जाए यानी कि इस इक्वेशन को, इस समीकरण को जो सेटिस्फाई कर जाए नंबर, वो कहलाएगा हमारा रूट।
जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक इक्वेशन लेते हैं, एक वर्ग समीकरण ही लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये लिया। अब एक्स की जगह हम लोग टू पुट करके देखते हैं, एक्स की जगह जब हम लोग टू पुट करेंगे तो ये होगा फोर माइनस फोर्टीन प्लस ट्वेल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फोर प्लस ट्वेल्व हुआ सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस फोर्टीन हुआ टू, और टू तो जीरो के बराबर आया नहीं, तो एक्स इक्वल टू टू, क्या ये इसकी रूट हुई? नहीं, क्योंकि रूट होने के लिए जब वो नंबर रूट तभी कहलाएगा जब हम किसी समीकरण में उस नंबर को पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करे, यानी कि रिजल्ट में हमें सोल्यूशन मिले, जीरो मिले। अब जैसे यहां पे हमने एक्स की जगह थ्री पुट किया तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेल्व। अब आप जब इसको ऐड करेंगे नाइन प्लस ट्वेल्व तो क्या आएगा, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन जीरो, तो थ्री हमारा क्या हुआ, रूट, यानी कि इसका रूट क्या हुआ, थ्री, क्योंकि थ्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जब थ्री हम इसमें पुट कर रहे हैं तो वो इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। अब देखते हैं एक्स इक्वल टू फोर, फोर को जब हम पुट करेंगे तो आएगा सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व, और सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व होता है ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट आ गया जीरो, तो यानी कि x इक्वल टू फोर भी हमारा रूट हुआ, x इक्वल टू थ्री भी हमारा रूट हुआ, मगर टू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लोगों ने टू पुट किया तो हम लोगों का जीरो नहीं आ रहा था, बाकी इन दोनों केसेस में जीरो आ रहा है। तो रूट्स क्या होते हैं ये अब हम लोगों को पता चल गया, वो नंबर जो किसी समीकरण में जब हम लोग पुट करें उसके बाद हम लोगों का जो रिजल्ट है वो जीरो आए, यानी कि उस समीकरण को सेटिस्फाई करे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि वर्ग समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी दो, तो रूट्स भी कितनी होंगी, दो, यानी कि अगर यहाँ पे डिग्री थ्री होती तो तीन रूट्स होते, अगर एक होता तो हम लोगों की एक रूट होती, मगर वर्ग समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम लोग दो ही रूट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे इस पे। अब आपको एक और चीज बता देते हैं कि कोई भी इक्वेशन, जैसे यही है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, इसके हम लोगों को क्या पता चल जाए, रूट्स, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, यानी कि इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी वर्ग समीकरण को हम लोग इस फॉर्म में, उसके रूट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि वर्ग समीकरण क्या होता है, रूट्स क्या होती हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि रूट्स निकालेंगे कैसे, ये भी क्वेश्चन है। तो हाउ टू फाइंड रूट्स, यानी कि रूट्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड रूट्स। तो देखिए, ये इन जनरल अगर हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इन जनरल हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को क्या कर रही है, प्रतिबिंब, वो क्या कह रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी जो, अब इसकी जो रूट्स होंगी वो सबके लिए हम लोगों के लिए यूजफुल होंगी कि कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने बात करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिर्फ रूट्स कितनी होंगी, दो। तो इसमें जो पहली रूट होगी कैसे निकालेंगे वो देखिए, एक्स, क्योंकि एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे, माइनस बी, ध्यान से देखिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, पहली रूट, ठीक है। अब दूसरी रूट, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी वर्ग समीकरण होगा तो उसकी जो रूट्स होंगी वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी कि जो x के साथ जो b है वो माइनस बी, वो प्लस, फिर अंडर रूट
बी का होल स्क्वायर माइनस फोर फिर ए और ये सी अपॉन टू ए। उसी प्रकार अब यहां पे बस प्लस की जगह माइनस आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण की निकालते हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो माइनस बी प्लस एक बार और एक बार माइनस, माइनस हमने नीचे लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन रूट्स को साथ में लिख रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये आ गई रूट्स, यानी कि कैसे हम लोग रूट्स निकालेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके रूट्स निकालेंगे। अब इस हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोगों को रूट्स निकालने हैं। तो देखिएगा एग्जांपल वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को इसकी रूट्स निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग जो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये है, तो इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए हमारा क्या है थ्री, बी हमारा क्या है माइनस फोर, सी हमारा क्या है माइनस फोर। यानी कि हम लोगों के पास ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है। तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए आप एक्स इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस ब्रैकेट में बी, बी क्या है हमारा माइनस फोर। कैसे, देखिए यहां पे x के साथ जो होगा वो टर्म वो b है और यहां पे x के साथ क्या है माइनस फोर, तो यानी कि b क्या हुआ हमारा माइनस फोर। तो माइनस b प्लस, ठीक है, अंडर रूट b का होल स्क्वायर यानी कि 16 माइनस, देखिए बहुत ध्यान से, 4 फिर a क्या है हमारा 3 और c क्या है हमारा माइनस फोर, हमने लिखा अपॉन टू जो यहां पे है फिर a, यानी कि a क्या है थ्री। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस अंडर रूट 16, थ्री इंटू टू फोर इंटू थ्री 12, 12 इंटू फोर कितना हुआ 64 और ये माइनस माइनस था तो ये हो गया प्लस, तो प्लस 64 अपॉन 6, ठीक है। अब देखिए इसको 4 प्लस अंडर रूट, यहां पे हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और 12 को जब 4 से करेंगे तो 48 आएगा, यहां पे मैंने 64 लिख दिया था, तो ये हो गया 48। तो 16 प्लस 48 कितना हुआ 64 अपॉन 6, और 64 का स्क्वायर रूट पता है हम लोगों का तो ये हुआ 8, और 8 प्लस 12, 4 प्लस 8 12, 12 अपॉन 6 को जब सॉल्व किया तो आया 2, यानी कि एक उसकी रूट आई 2। अब यहां पे फर्क क्या करेंगे, हम लोगों को दूसरी रूट निकालनी है, तो दूसरी रूट निकालने के लिए बस प्लस की जगह माइनस हम लोग कर देंगे तो हम लोगों को दूसरी रूट भी पता चल जाएगी। आप पूरे प्रोसेस से इसको करिएगा, मैं यहां पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि यहां पे हम लोगों ने ये सारे स्टेप सेम है, तो ये 4 होगा, प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा और ये अंडर रूट 64 अपॉन 6 था तो ये हुआ 4 माइनस 8, बस हम लोगों ने इस प्लस की जगह क्या आ रहा है माइनस और 6 तो ये क्या हुआ माइनस 4 अपॉन 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 2 बाई 3। यानी कि ये जो वर्ग समीकरण है इसकी दो रूट आई, एक 2 आई और एक माइनस 2 बाई 3 आई। अब कैसे पता कि हम लोगों का आंसर सही आया है, तो हम लोग क्या करेंगे इस रूट को इसमें पुट करके देख लेंगे, तो हम लोगों को ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत। तो जरा हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं इसको। तो जब 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4 तो ये हुआ 12 माइनस 8 माइनस 4 तो ये आया 12 माइनस 12
तो ये तो जीरो हो गया, यानी कि ये हम लोगों की रूट है इसकी। अब दूसरी वाली भी चेक कर लेते हैं हम लोग, थ्री। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टू बाई थ्री, तो आएगा फोर बाई नाइन, माइनस फोर इंटू माइनस टू बाई थ्री माइनस फोर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फोर बाई थ्री प्लस एट बाई थ्री माइनस फोर, ये करेंगे एट प्लस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई थ्री माइनस फोर, यानी कि फोर माइनस फोर, ये भी आया जीरो। यानी कि टू भी हमारा रूट है और माइनस टू बाई थ्री भी हमारा रूट है। तो रूट्स क्या आई, रूट्स आई हमारी टू एंड माइनस टू बाई थ्री। यानी कि हम लोगों ने ये फॉर्मूले का यूज करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट्स कैसे निकालेंगे वो सीखा। बस आप यहां पे कंफ्यूज ना होइएगा, एक बार हम लोगों ने प्लस के साथ वही सारी प्रोसेस किए और वही चीज हम लोगों ने माइनस के साथ किया। हम लोगों ने ये जो स्टेप्स थे सारे कॉमन थे, बस यहाँ पे हम लोगों को क्या चेंज करना था, प्लस की जगह माइनस, तो वो माइनस यहाँ पे रखा और उसके हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व किया और ये हम लोगों की दोनों रूट्स आ गई। आई होप कि आपको वर्ग समीकरण का जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। थैंक यू।